जो कि लोहड़ी की स्पेशल मिठाई होती है। तो यहाँ पे ऐसा हुआ है इस बार की, मतलब जैसे होता है ना और जगह पे जो है वो निमंत्रण आया है हमें अयोध्या से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हिमालयन डायरीज में। मैं हूँ अभिलाषा, मैं हूँ बहुत बढ़िया। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी भी अच्छे होंगे। अपने हाल चाल कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। और आज है 13 जनवरी और आज है लोहड़ी। तो सबसे पहले सभी को जो है वो लोहड़ी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज जो है वो थोड़ा सा मेरा बिजी डे रहने वाला है, क्योंकि अभी जो है वो वैसे हमने सफाई वगैरह कर दी है, कपड़े वगैरह भी धो दिए, गिलाफ की लूफ हमने चढ़ा दी है। तो हमारा घर ना रस्ते में है, तो एक्चुअल में क्या होता है धूल एकदम से ऊपर आ जाती है, और जैसे कि गाड़ियाँ वगैरह भी चलती है, बाइक वगैरह भी चलते हैं, तो उस वजह से जो है वो धूल 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 हुई रहती है। तो अब मैं क्या करूँगी, पहले पोछा मारूँगी, ऐसे ही सूखा पोछा मारूँगी मैं बस। और उसके बाद जो है वो मैंने कपड़े डाले, थोड़े से डिप कर दिए मैंने मशीन में, और वो धो दूँगी। और अभी सबसे पहले मैं अव्या के लिए पानी लेके जा रही हूँ, क्योंकि मम्मी फिर उसको नहला देंगे। और आज मौसम ऐसा है ना शानदार, बादल वाला, तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। अभी मेरा आलस्य से भरा पूरा वो रहने वाला है दिन शायद, बट लेकिन जब एक बार काम करने लग जाते हैं ना, फिर नहीं लगती आलस, फिर फटाफट हो जाता है काम। तो मैं सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, ब्लॉग शुरू कर दिया है। बने रहिएगा इस ब्लॉग में एंड तक, और अच्छे से मज़े से लोहड़ी मनाइएगा। हमारे तो जो है वो लोहड़ी अच्छे से मतलब सेलिब्रेट कर लेते हैं निर्मल में। काफ़ी अभी बच्चे आएंगे थोड़ी देर के बाद, मैं दिखाऊंगी आप सभी को, बट इस ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा, तभी देख सकते हो आप सभी लोग। तो दोस्तों मेरा पोचा वोचा लग चुका है बहुत ही अच्छे से, आज हुई है डीप क्लीनिंग, मतलब कि मैंने पानी तो नहीं गिराया, बट थोड़े दिनों पहले कहीं हमने साफ़ किया हुआ था, तो ज़्यादा नहीं था कुछ भी करने के लिए, बट मैंने सूखा सूखा पोछा मारा, पर अच्छे से साफ़ किया, और रूम वगैरह भी सारे क्लीन हो चुके हैं पोछा पोछा लगा के। ये रहा हमारा तंदूर वाला किचन, जो कि अभी आधा अधूरा रहता है, मैंने पहले भी बताया है इस तरह का। यहाँ पे देखो ये, यहाँ पे पैलिंग वगैरह करने के लिए अभी रहती है। यहाँ पे अभी पोछा पोछा मार के ये भी अच्छे से साफ़ हो चुका है, और अभी ये बिखरे हुए हैं इसके जो बैठकू वगैरह बैठने वाले, क्योंकि बाद में करेंगे इनको अच्छे से सेट। और आज मौसम कुछ इस तरह का था, देखो धुंध वाला, अच्छे से धूप लगी नहीं थी, धूप सेकने का मज़ा ही नहीं आया कुछ भी। ये रहे कपड़े जो कि धो चुकी हूँ मैं, अब मैंने जाना है नहाने, और उसके बाद लंच वगैरह करेंगे। पापा भी नहीं आए अभी, और हस्बैंड तो आपको पता ही है एज यूजुअल आजकल घर नहीं आते हैं लंच करने, तो हम तीन ही होते हैं लंच करने के लिए। कैसा सुनसान जैसा हुआ ना, मेरे को लगता है ऐसा मौसम बहुत ही ज़्यादा गंदा, बहुत ही ज़्यादा। और ये देखो ये है मेन रास्ता, और आजकल मतलब कि गोबर ढोने का सीज़न भी लगा हुआ है, मतलब गोबर डालते हैं सेब वगैरह के पौधों में, तौलिए वगैरह करते हैं, तो ये वही ले जा रहे हैं। और ये देखो पीछे हमारी गाय नज़र आ रही है आप, ये देखो ये आगे वाली हमारी है, अभी छोड़ देते हैं इसको, मतलब थोड़ी देर ऐसे ही खुला चरने के लिए, और सूखा ही सूखा है आजकल, ऐसा नहीं होता है, पतझड़ वाला मौसम है, पत्ते ही गिरते रहते हैं, वहाँ देखो नीचे भी कैसे गिरे हुए हैं। और सबके घर में कपड़े धुले आज, अगली साइड दादी वगैरह के घर में भी, पल्ली साइड भी धुले हुए हैं कपड़े, और उधर भी सफाई हो रही है, क्योंकि बोलते हैं ना कि माँ के साझे के लिए सफाई करनी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है, तो वही उस वजह से कर रहे हैं। तो चलो मैं अब ज़्यादा बातें ना बढ़ाते हुए फटाफट से चलती हूँ, नहा लेती हूँ। तो दोस्तों अभी मैं नहा धो के हो चुकी हूँ एकदम फ्रेश, और साथ में अभी समय हो रहा है 3:30 बजे का, अब हम लोगों ने लंच भी कर लिया है। और अभी मैं आई हूँ अपने लेंटर पर, मैं आई हूँ किस लिए कि मैंने सोचा शायद थोड़े बहुत अवे कपड़े सूख गए होंगे, क्योंकि मैंने बताया ही है कि सांझ से पहले जो है वो, मतलब सांझ मतलब क्या समझते हो आप लोग, सांझ मतलब जब जो है वो सूरज ढल रहा होता है और अंधेरा होने वाला होता है, रात शुरू हो जाती है मतलब, तो उस टाइम पर
जो है उससे पहले कपड़े उठा लेते हैं, तो उस वजह से जो है मैं आई थी देखने। मैंने सोचा अगर थोड़े बहुत सूख चुके होंगे तो मैं अंदर रख देती हूँ इनको टाइम से फोल्ड फोल्ड करके, बट लेकिन ये नहीं सूखे हैं, थोड़ी भी नहीं सूखे हैं, क्योंकि आज धूप भी नहीं लगी हुई थी। और अब क्या करना है, अब मैं रेस्ट करती हूँ, थोड़ी बहुत थक भी चुकी हूँ, ठंड भी लग रही है क्योंकि ठंडा मौसम था आज। और उसके बाद देखते हैं, बस डिनर विनर की तैयारी करनी है और कुछ नहीं करना है आज, कुछ भी नहीं। चलते हैं अब अपने रूम की तरफ। और मुझे अभी आवाज़ आ रही है ढमढम की, और ढमढम मतलब कि बच्चे आ रहे हैं लोहड़ी मांगने, तो मैं उनकी क्लिप भी क्लिक करूँगी आप सभी के लिए। अभी जाती हूँ नीचे, कम से कम 15 टीम्स आती है इन बच्चों की। अल्ला मोहल्ला, बल्ला मोहल्ला, पिछला मोहल्ला, अगला मोहल्ला, सारे बच्चे आते हैं बारी बारी से मांगने। और अभ्यास हुई भी है, अगर इनकी ढमढम इसको सुनाई दे दी ना, ये भी उठ जाएगी। उससे पहले मैं नीचे तक जाऊँगी, बाकी तो सारे आ गए हैं ना वैसे। नाचेगा कौन फिर, ये जल्दी नाचो, चांद को भी दिखाओ लाल आज। सच में काज, अच्छा लाल भाई लाल को दिखा। अबे कबूतर खुशी खुश, नहीं मेरे को तो यकीन नहीं थी सभी क्या खरीदी हुआ काला। तो अभी हम खा रहे हैं रेवड़ी उर्फ मूंगफली, उर्फ नहीं मतलब रेवड़ी और मूंगफली खा रहे हैं हम, जो कि लोहड़ी की स्पेशल मिठाई होती है, है बच्चे बच्चों को क्या, बड़े भी खा लेते इसको क्यों। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज है संडे, साथ ही साथ आज है 14 जनवरी। पिछले कल थी लोहड़ी, मैंने व्लॉग कायम नहीं किया। आप सभी ने देखा कि बहुत सारी टीमें बच्चों की आती है, थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन करते हैं अपने लिए, जो है वो नेक मांग के लिए जाते हैं, अपनी खुशी जाहिर करते हैं, ये समझ सकते हो आप लोग। मुझे लगता है कि जैसे कि पंजाब वगैरह होता है, चंडीगढ़ वगैरह, वहाँ पे तो और भी ज़्यादा अच्छे से जो है वो लोहड़ी सेलिब्रेट की जाती है, बट अपर हिमाचल में उतने अच्छे से जो है वो लोहड़ी सेलिब्रेट नहीं की जाती है। यहाँ पर जो है वो लोहड़ी के अगले दिन होता है संक्रांति, यानी मकर संक्रांति, उसको ज़्यादा मनाते हैं, जिसको हमारे माघ का साझा बोलते हैं। माघ मीन्स कि पहाड़ी महीने का पहला मंथ जो है वो माघ होता है, जैसे जनवरी होता है उस तरह से इसमें माघ होता है। तो माघ के साझे को जो है वो बहुत धूमधाम से मनाते हैं, बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से। तो इस बार क्या है कि हमारे यहाँ निर्मल को छोटी काशी बोलते हैं, स्थान है ये एक तरह से। तो यहाँ पे ऐसा हुआ है इस बार की, मतलब जैसे होता है ना और जगह पे जो है वो जंतरी चलती है, जंतरी से चीज़ें देखी जाती है, आप सभी बोल सकते हो कुंडली बनाई जाती है और शादी के दिन देखे जाते हैं, वो सब चीज़ें जंतरी से देखी जाती है। बट यहाँ निर्मल में क्या होता है, छोटी काशी में, यहाँ पर पत्री से चीज़ें देखी जाती है। तो यहाँ पर है ऐसा कि यहाँ पर संक्रांत को, लोहड़ी तो 13 को थी पर संक्रांत को आज 14 को ना मनाकर 15 को मनाया जा रहा है, क्योंकि बोलते जो संक्रांत है वो रात के 2 बजे के बाद लग रहा है। तो जैसे होता है कि हम लोग मगर नहलाते हैं, सुबह सुबह 4 बजे उठ के नहाते हैं, हमारे यहाँ पे ये होता है पहाड़ों में संक्रांति के दिन, तो वो जो है आज ना होके वो कल होगा वो चीज़ें। तो वो सब
देखते हुए जो है वो संक्रांत को हमारे यहाँ पे आज नहीं कल मनाया जा रहा है, इवन कि मेरे मायके में भी आज ही है, तो यहाँ थोड़ा सा अलग। और निर्मल वैसे मतलब बहुत प्रसिद्ध है यहाँ पे, मतलब कि स्पेशली तो यहाँ देवी देवताओं का वास बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे देवी देवता हर दूसरे मोड़ पर आपको मिलेंगे, निर्मल बाज़ार में ही हर दूसरे मोड़ पर आपको देवी देवताओं के मंदिर मिलेंगे। और यहाँ पे जो है वो पुरानी चीज़ें, पुराने रीति रिवाजों का अभी भी पालन किया जाता है, उस वजह से यहाँ पे चीज़ें जो है वो नियम अनुसार होती है। तो इसलिए हमारा संक्रांत आज ना होकर कल है, तो हम अपना साझा कल सेलिब्रेट करेंगे, तो वो व्लॉग कल आएगा। आज संडे, तो इस व्लॉग को मैं आज ही अपलोड कर दूँगी, लोहड़ी वाले व्लॉग को। कल मैंने एंड नहीं किया क्योंकि कुछ भी नहीं था उसके बाद बनाने के लिए, तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं कल कर। दोस्तों आप सभी ने देखा कि अभी ये लोग जो है वो राम जी की झांकियां निकाल रहे हैं और जो है वो भजन गा रहे हैं। और ये जो है ये है अक्षत बोलते हैं इसको, ये जो है अयोध्या से आया है, इसको वितरित कर रहे हैं। और इसी के साथ में ही हमें पेम्पलेट मिले हैं, ये देखिए। तो ये किस चीज़ की झांकियां निकाली जा रही है और किस चीज़ के पेम्पलेट जो है वो वितरित किए गए हैं, तो आप सभी को जैसे कि मालूम है कि 22 जनवरी को जो है अयोध्या में भव्य आयोजन होने वाला है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, ये उसी के पैम्पलेट्स वितरित किए जा रहे हैं। निमंत्रण आया है हमें अयोध्या से कि 22 जनवरी को अयोध्या ज़रूर आए, और साथ ही साथ ये बोला गया है कि जो वहाँ पर नहीं जा सकते हैं वो लोग भी अपने घरों में जो है वो दीपावली जैसा माहौल बनाएँ, मतलब कि जैसे हम उस टाइम पर जो है वो दीप प्रज्वलन करते हैं, प्रसाद वगैरह बांटते हैं, वो सब हम उस दिन भी करें। और शायद से मुझे लगता है लाइव वगैरह भी दिखाया जाएगा, तो आप सभी दूरदर्शन पर भी देख सकते हो और औरों को भी दिखा सकते हो। ये सब चीज़ें जो है वो इस पैम्पलेट में भी लिखी गई है, तो इस वजह से जो है वो ये झांकियाँ निकाली जा रही है। और ये हम सभी के लिए बहुत ही खुशी का माहौल है जो 22 जनवरी को होने वाला है, तो आप सभी भी जो है वो वहाँ पे शिरकत कर सकते हो। आरएसएस के द्वारा बांटे जा रहे हैं ये पैम्पलेट। बाहर जो है वो व्लॉग शूट करना है, तो मतलब नाकों तले चने चबाना है, वही वाला काम है ये। तो अभी मतलब कि व्लॉग का एंड कर देती हूँ, ज़्यादा लंबा हो जाएगा शायद से ये व्लॉग। मिलेंगे अब आपको अगले नए प्यारे से व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और वीडियोज़ अच्छी लगती है तो वीडियोज़ को लाइक शेयर कमेंट करना जरूर ना भूलिएगा, और जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।